हेलो बच्चों, आज हम स्पर्श भाग एक पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य तुम कब जाओगे अतिथि, जो शरद जोशी रचित है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। अब आप टाइटल ही देख लो, तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि यानी मेहमान। ये जो मेहमान है वो बहुत दिन से घर पर रुके हुए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। घर वाले परेशान हो गए और मन में ख्याल आता है कि अतिथि कब जाएंगे। वो उन्हें बोल नहीं सकते कि आप जाओ, लेकिन मन में यही चाहते हैं कि ये कब जाएंगे। आपने एक ऐसी फिल्म भी देखी होगी जिसका नाम है अतिथि तुम कब जाओगे। वो फिल्म इसी कहानी पर आधारित है। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी घर वाले ये सोच रहे हैं कि 4 दिन हो गए आए हुए, अब मन में ये प्रश्न है कि कब जाएंगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। यानी घर पर एक चेयर पर वो बैठे हैं और सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिन से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। यानी कि घर वाला जो नहीं चाहता कि मेहमान हमारे घर रहे, वो मेहमान के सामने ही कैलेंडर पर तारीखें बदल रहा है। घर वाला उसे दिखाना चाहता है कि इतने दिन से यहाँ रह रहा है, वो मेरे सामने देखे मैं तारीख बदल रहा हूँ वो, और उसे लगे कि अब बहुत दिन हो गए, मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहा। तुम जानते हो, अगर अब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। आतिथ्य का चौथा भारी दिन यानी कि घर में कोई भी मेहमान आता है तो उसका स्वागत सत्कार करने के लिए बहुत सा खर्चा करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उसने बोला है कि आतिथ्य का ये चौथा भारी दिन है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना ही प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंगी निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। अब ये घर वाला है जो मेहमान आए उसे बोल रहा है, मैं आमने सामने नहीं बोल रहे, वो तो मन में ही सोच रहा है कि ये कब जाए। मन में उसे ऐसा लग रहा है कि इसने तो मेरी काफ़ी खर्चा करवा दिया मुझसे, अब ये कब जाएंगे। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। अब बटुआ कांप जाना यानी कि अब तो खर्चा होने वाला है, इसका संदेश मिलना। उसके बावजूद एक स्नेहभीनी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल के एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। यानी कि घर वाले ये सोच रहे हैं कि भाई आप आए हो, हम रात के भोजन में जो खाना बनाते हैं वही आज नहीं बना क्योंकि मेहमान आए, तो कुछ नया बनाया जाए। हमने नया बनाया। आशा ये थी कि आप एक दिन रुकोगे और दूसरे दिन रेल से चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मत, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे।
यानी कितना दुख है कि भाई एक और दिन खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी खुश रहे हम। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। यानी कि हमने जो जो रोज का रूटीन होता है खाने का, उनके अलावा नया नया पकवान बना के दोपहर को, रात को हमने खिलाया, रात को हमने सिनेमा भी दिखाई। मन में यही है कि आप खुश रहो और जल्दी चले जाओ। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यानी कि ये ऐसा तो हमने किसी और मेहमान के लिए नहीं किया, रात के भोजन में, दोपहर के भोजन में सिनेमा दिखाना, ये नया नया खर्चा हमने कभी किया ही नहीं है। हमें ऐसा लगा कि आप खुश रहे, दूसरे दिन हमें आपको स्टेशन छोड़ने जाए, दोनों मिले, भाव भी नहीं, यानी थोड़ा दुख हो कि आप जा रहे हो, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यो रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान ही न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। यानी कि मेहमान ने कहा तीसरे दिन कि मुझे धोबी को कपड़े देने धोने के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? और कुछ दिन रुकेगा घर पर। घर वाला ये सुनकर आघात में आ गया। उन्हें सोचा कि ये तो लंबा चलेगा अतिथि सत्कार। पहली बार उसे लगा कि अतिथि देव नहीं होते, राक्षस भी होते। घर वाले ने कहा, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पड़ रहा था कि तुम जल्दी जाना है। मेहमान ने कहा, कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते, मैंने कहा और अपने सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। आप पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? तो मैंने कहा, इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उसकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल लिया था। इसका मतलब है कि कुछ साल पहले लड़की की बड़ी बड़ी आंखें सुंदर लगती है, मैं शादी से पहले वाली बात, और उन्होंने सोचा कि शादी कर लेते इसकी सुंदर आंखें देखकर, लेकिन वही आंख बड़ी बड़ी अभी दिखा रही है, तो थोड़ा डर लग रहा है, मन छोटा हो गया है। और वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई है कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी, अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। अब लॉन्ड्री पर कपड़े जो दिए थे वो भी धुलकर आ गए, फिर भी नहीं जा रहे। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। यानी कि बिस्तर पर उसे चादर बिछा कर दी थी, वो भी सिलवटे पड़ गई थी, वो भी बदल दी गई है, फिर भी अभी अतिथि यहीं है, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। यानी कि जब अतिथि आते तो सामने मुस्कुराहट भरा चेहरा होता है, अब बहुत दिन हो गए तो वो भी फीका पड़ गया है, फिर बातें भी कम हो गई है, फिर ठहाके मार के हंसना वो भी कम हो गया है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए, परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया।
और अब एक चुप्पी है, यानी बॉस से विषय पर चर्चा हो गई है। इतने दिन से ये रुके हुए, अब कुछ बात करने के लिए ही नहीं है। सौहार्द अब सने सने बोरियत में रूपांतरित हो रहे, यानी कि धीरे धीरे बोरिंग वातावरण हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे। अब गालियां देने का मन कर रहा है। किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? खुद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका कर कहा, क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। मैंने कहा, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते, तो हमें उपवास तक जाना होगा। यानी कि पहले अच्छे अच्छे पकवान बने थे, मिठाई भी बन रही थी, अब इतने बहुत दिन हो गए स्वागत सत्कार करते हुए, अब तो खिचड़ी ही भगली। अब उन्होंने कहा कि बिस्तर छोड़कर अगर नहीं जाए तो उपवास भी करना पड़ेगा, यानी कि खिचड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि, यानी कि अब मैं तंग आ गया हूँ। तुम यहाँ से जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है? अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ ही रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा, सोचो प्रिय, कि शराफत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। यानी कि घर वाला ये सोच रहा है कि अब बहुत ही हो गया, मैं गेट आउट भी बोल सकता हूँ। अपने खर्राटों से एक और रात गुजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। यानी 5 दिन हो गए अब। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। यहाँ पर घर वाला उम्मीद लगाए बैठा है, आशा कर रहा है कि शायद 5वें दिन वो जाए। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर पाऊंगा, यानी खड़ा नहीं रह पाऊंगा, लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिरी मैं भी मनुष्य हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यानी अतिथि देवो भव कहा जाता है, अतिथि देवता के समान होता है ऐसा कहा जाता है। अगर थोड़ी देर बाद ही लौट जाए तो, अब ऐसे ही घर पे पड़े रहे और परेशान करे तो वो देवता किस काम का? उसे थोड़ी ना घर वाले देवता कहेंगे। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? यहाँ पर हमारा ये तुम कथी ये लेसन पूरा होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? तो 4 दिनों से घर पर रह रहा है। नंबर 2, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही है? तो कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, पति पत्नी के मेहमान का स्वागत कैसे किया? पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान से उसे गले लगाया और पत्नी ने सादर नमस्ते किया। क्वेश्चन नंबर 4, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी? तो दोपहर के भोजन को औपचारिक डिनर जैसा भारी भरकम बनाया गया था, जिसमें 2 सब्जियां थी, रायता था, एक मीठा व्यंजन भी था। क्वेश्चन नंबर 5, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तो तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा, कपड़े धोबी को देना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6,
सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? तो आंसर है, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर लेखक ने अतिथि को डिनर की बजाय खिचड़ी खिलाई। और एक मेरी ओर से क्वेश्चन, अतिथि तुम कब जाओगे, इस गद्य का लेखक कौन है, यानी किसने इसकी रचना की है? तो शरद जोशी इसके लेखक का नाम है। धन्यवाद।